वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य भाजपा के ग्राम सभा से विधानसभा के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। नड्डा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष ओहदे पर पहुंच सकता है, जबकि अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां एक परिवार विशेष की पार्टियां हैं। भाजपा के पास आज 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र और मानव के समग्र आर्थिक विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित भाजपा सरकार की अगुवाई में शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान और कल्याण करना है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्वयं आंकलन और स्वमूल्यांकन करने का आग्रह किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने पार्टी को सुदृढ़ करने में कितनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलनों जैसी पहल कर हिमाचल प्रदेश आज अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनकर उभरा है। अब पार्टी को बूथ स्तर पर सुदृढ़ बनाने के लिए पन्ना समिति गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25 करोड़ मोदी फूड किट्स का वितरण किया गया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जिला स्तर पर भाजपा के 6 कार्यालयों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष से प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय न केवल पार्टी को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करने का उपयुक्त स्थान होता है, बल्कि एक मजबूत काडर के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र और नर्सरी भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनौतियों में अवसर खोजने के मंत्र से आज भारत प्रतिदिन लगभग 5 लाख पीपीई किट तैयार करने में सक्षम बन पाया है। इसके अलावा भारत आज विश्व के 16 देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। ये केवल प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब भी केंद्र में एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, हिमाचल प्रदेश हमेशा विकास की दृष्टि से मुख्य धारा से जुड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला था और अब नरेंद्र मोदी ने राज्य को एक बार पुनः विशेष दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए की लागत से अटल टनल रोहतांग प्रदेश को केंद्र सरकार का एक तोहफा है। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हिमकेयर, हिमाचल गृहिणी सुविधा आदि योजनाओं से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का इस अवसर पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोदान सिंह, राज्य भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन इस अवसर पर उपस्थित रहे। इससे पूर्व गग्गल हाईवे अड्डे आगमन पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। मुझे हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में आप सब के साथ मिलने का सौभाग्य मिला और आप सब से इस बैठक के माध्यम से कुछ चर्चा करने का भी मौका मिला है। मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया। आज से कोई 7-8 दिन पहले सुरेश कश्यप जी ने कहा था कि आपने आना है, थोड़े मेरी चुनाव की व्यस्तता थी, मैंने कहा मैं वर्चुअल आपके साथ जुड़ जाऊंगा, तो उन्होंने कहा वर्चुअल वर्चुअल होता है, रियल रियल होता है, तो आप जरा रियल आएंगे तो ठीक है। तो मुझे आपने निमंत्रित किया और मैं आया देवभूमि में, मातृभूमि में, मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं,
जहां भी किसी को खड़ा करते हैं वो चुनाव जीत के आया हुआ होता है। अभी परिचय कराया गया, पंचायती राज में आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की और लक्ष्य भी आपने बहुत अच्छा तय किया, ग्राम सभा से विधानसभा एक लंबी यात्रा उसका भी रोडमैप आपने खींचा। तो मैं सोच रहा था कि ये हौसला, ये बुलंदी, ये हर्षोल्लास, ये महत्व, ये इस तरीके का वातावरण किसी और पॉलिटिकल पार्टी का क्यों नहीं होगा? आखिर वो भी तो चाहते होंगे, उनके यहां क्यों ये माहौल नहीं बनता है? मित्रों, उसका मूल कारण हमको समझना चाहिए। और मैं कई बार कहता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग जो इस पार्टी में आए हैं, अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुम सही जगह आए हो। इस बात को अब अगर आप पूछो तो बाकी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी होती। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे से कहा गया कि इसका फैसला कैसे होगा, बोले हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड थे। मैंने कहा कौन है पार्लियामेंट्री बोर्ड? बोले मेरे चाचा। और मैंने कहा और कौन कौन है? मेरे भाई। और कौन है? मेरा ताया। ये उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक एक बार नजर दौड़ा के देखो, सारी राजनीतिक दल परिवार की पार्टी हो गई। पीडीपी उठा लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लो, आप बाकी पार्टियां उठा लो, हरियाणा की पार्टियां उठा लो, जिसको उठाना जो उठाना है उठा लो, सारी पार्टियां ऊपर से नीचे तक परिवार की पार्टी। ये 18 करोड़ की सदस्य ऐसी ही हो गई। मैं दावे से कहता हूं कि कोई चाहे भी कि 18 करोड़ सदस्य बना ले, ताकत ही नहीं है किसी में कि कोई ताकत 18 करोड़ बना सके। इसलिए जब कोई चर्चा करते हैं ना, तो अगर आप ये कह देते ना कोई नहीं है टक्कर में, तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूर दूर तक कोई पहुंचने की ताकत नहीं है। और ये सब लोगों के कलेक्टिव प्रयास के कारण और साइंटिफिक ग्रोथ के कारण। बहुत बार आपको हमको हम फैसले बहुत पसंद नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से कुम्हार घड़े को घड़ने के लिए ठोक ठोक के सारी चीजें बराबर करता है, उस तरीके से घड़ी आती है पार्टी, तब यह परिस्थिति आती है कि 18 करोड़ हमारा सदस्य संख्या होती है और कोई नहीं होता हमारे सामने जो हमारे सामने आता है। मुझे इस मामले में बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हिमाचल देश में अब एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसको कहते हैं हिमाचल मॉडल, और वो मॉडल है पन्ना प्रमुख का। ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। मैं फिर कहूंगा कि पवन जी ने उसमें एक सूत्रधार के रूप में काम किया, बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक, त्रिदेव के का सम्मेलन, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, ये सारा कुछ आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए आपको बधाई की आप पात्र। लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं और इसलिए हिमाचल प्रदेश को एक और काम दे रहा हूं, और वो काम हर स्टेट के लिए अलग है। क्योंकि आपने पन्ना प्रमुख का काम कर लिया है, अब आपको पन्ना कमेटी पर जाना है और 2021 और 22 मार्च तक आपको अपने आप को पन्ना कमेटी में परिवर्तित कर। मित्रों, हमें खुशी है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार केंद्र होता है कार्यालय, इसलिए हर जिले में कार्यालय बने, इस बात को हम लेकर के चले। यहां भी मुझे पता चला है कि कांगड़ा में, पता क्या, मैं उसमें शामिल था, कांगड़ा, नूरपुर, पालनपुर, देहरा और सुंदरनगर और कुल्लू, इन स्थानों पर 6 कार्यालयों का शिलान्यास हो गया है, काम शुरू हो गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वह बिना समय गवाए तुरंत जमीन की व्यवस्था करें और तुरंत कार्यालय बनाए। कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं होता है, वो हमारे संस्कार का केंद्र होता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का माध्यम बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इंडिजिनस वैक्सीन हमारी बनी और सारे देश कोई दूसरे देशों का नहीं खरीदना चाह रहा।
16 देशों को अपनी पर अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए 16 देशों को आज भारत वैक्सीन दे रहा है और लाइन लगी हुई है देशों की जो हमसे वैक्सीन मांगते हैं। यह परिस्थिति आखिर खड़ी हुई। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल की बात कही गई है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जयराम जी से भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस काम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के लोगों को भेंट में कुल्लू का की टोपी देते हो, किन्नौर की टोपी देते हो, कुल्लू की शॉल देते हो, चंबा का रुमाल देते हो, तो आप समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोकल को वोकल करने में और ब्रांड बनाने में कितना बड़ा योगदान है। हमारा काम अभी हम राजदूतों के साथ पार्टी में बैठक करने वाले हैं, हम हिमाचल की उसमें से चीजें दी जाएंगी, हम उसको पॉपुलराइज करें, दुनिया में इसका इसका इसकी छाप बननी चाहिए। लेकिन उसमें हम भी हम हर जिले में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। ये हमको